और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका रॉकी मैन गेमिंग चैनल में। तो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 0.16.0 का अपडेट आने वाला है। बेसिकली बहुत लोग खुश है कि इसमें नए नए मोड्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग मत सोचना कि ऐसे फालतू वीडियो बनाए, प्लीज़ मेरा बात ध्यान से सुनो, वीडियो एंड तक देखो। बहुत ही क्रिटिकल अपडेट है और ये आप पे भी इम्पैक्ट करेगा, सब पे इम्पैक्ट करेगा। इनफैक्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे यार। ये बहुत ही क्रिटिकल अपडेट है, उसके लिए मैं आया। सबसे पहले कल का जो सवाल था, ऐसा कौन सा गन था जिसमें रिकॉइल सबसे ज़्यादा और हैंडल नहीं होता, उसका नाम है बैरल। रीज़न क्या है वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आंसर बैरल। और आप में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया तो बहुत दिल दुख हुआ यार, अपने भाई को रुलाओ मत यार। वो वीडियो पे कमेंट कर देना था आपको, लेकिन जिसने भी सही आंसर दिया उसका नाम स्क्रीन पे आ रहा है। वैसे मैं आज का सवाल ये, ऐसा कौन सा SL राइवल है जिसका रिकॉइल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो उस गन को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। तो वो गन का नाम बता देना, आपको अगले वीडियो पे शॉर्ट आउट मिल जाएगा। वैसे मैं रही भी 0.16.0 का सबसे घटिया अपडेट जो मुझे बहुत बुरा लगा, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको बुरा लगा कि नहीं गाइस, इसमें बहुत ही बुरा अपडेट है। तो वो अपडेट पे मैं जाता हूँ। न्यू एवो मोड आपको तो पता ही है, वो रेज गियर वाला सबको पता है कि वो आने वाला है, ठीक है। क्लासिक में नया फीचर आने वाला है, स्नो पैराडाइज और हीलिंग पैराडाइज, वो भी अपने को पता है कि चलते हुए आप हील कर सकते हो। और स्नो मोड आने वाला है, ठीक है, और ये स्नो पैराडाइज वाला इवो ग्राउंड लोड आउट आके आप गेम में जाने से पहले ही अपने वेपन्स को आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी अपने को पता था। TPP टू FPP बटन भी आने वाला है, ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये सिर्फ TPP क्लासिक में चलेगा, ये भी अपने को पता है। उसके बाद मूव वाइल हीलिंग, ये भी सबने को पता है। हीलिंग कंटिन्यूसली भी सबको पता है कि अभी गाड़ी में भी हील कर सकते हैं, ठीक है। बैकपैक ऑर्नामेंट मैं आपको दिखाया था, बैक के पीछे ये क्या बोलते हैं, एंग्री बर्ड या कुछ भी आप पीछे लटका सकते हो, तो ये वो वाला अपडेट है। ये भी फालतू अपडेट है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ये वाला ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही क्रिटिकल है, ये आपके दोस्तों को भी इम्पैक्ट करेगा। और इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि जनरली मैं पैशनर्स पर बहुत कम वीडियो बनाता हूँ। तो स्पेक्टेटर टीयर रेस्ट्रिक्शन, ये एक सरदर्द वाला बन चुका है। लो टीयर प्लेयर्स विल नो लॉन्गर बी एबल टू स्पेक्टेट हाई टीयर प्लेयर। अब एग्जांपल गाइस, मेरा स्कूल का मेरा जिगरी यार है, मेरा खुद का एक बेस्ट फ्रेंड है जो है अभी सिल्वर में, ठीक है, और मैं हूँ एस में, तो वो मुझे स्पेक्टेट नहीं कर सकता। ये क्या लोचा है यार। अगर जैसे मेरा टीममेट है डायमंड में, ठीक है, और दूसरा बंदा है प्लेटिनम में, तो वो उसको स्पेक्टेट नहीं कर सकता। मेरा टीममेट है एस में, दूसरा बंदा है क्राउन में, तो वो उसको स्पेक्टेट नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने रेस्ट्रिक्शन रखा है कि लोअर टीयर लोग, अब मुझे नहीं पता वो लोअर टीयर का गैप कितना है, लेकिन ये जो अपडेट है ना, लोअर टीयर प्रोटेक्शन विल नॉट बी एबल टू स्पेक्टेट हायर, मतलब कि गोल्ड वाला बंदा प्लैटिनम वाले बंदे को स्पेक्टेट नहीं कर सकता, प्लैटिनम वाला बंदा क्राउन वाले बंदे को स्पेक्टेट नहीं। बहुत ही घटिया अपडेट है गाइस, मेरे को बहुत ही बुरा लगा इस अपडेट के बारे में। कमेंट में जरूर लिखना कि आपको कैसा लगा। भाई मैं देखते ही सबसे पहले वीडियो बनाएगी यार बाढ़ में, क्या बाकी सारे वीडियो सबसे पहले आप लोग को ये बोलना जरूरी है, क्योंकि यार फ्रेंड्स और जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं पबजी में, एक अलग कम्युनिटी है, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। ये क्यों बना है, प्रिवेंट चीटर फ्रॉम बेनिफिटिंग इलीगल फ्रॉम दिस फीचर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चीटर लोग कैसे बचेंगे यार। अगर कोई चीटर है, कोई हैकर है, वो तो हाई टीयर में होगा ना। क्या चुतियापा करके रखा है पबजी ने यार। उसके बाद जो अगला अपडेट है, फ्रेंडली फायर किल रेस्ट्रिक्शन, ये बहुत ही बेस्ट अपडेट है। इस अपडेट के बारे में कोई भी यूट्यूबर आपको बता नहीं पाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आपका दोस्त आपको ग्रेनेड मारता है या फिर आपको किल करता है, फ्रेंडली फायर करता है ना, उसी समय आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। उधर ही गेम में ब्लॉक मतलब अनफ्रेंड नहीं करना, मतलब जैसे गेम में वो जैसे रन कर रहा है ना, आपको फ्रेंडली फायर कर दिया ना, उधर ही फ्रीज हो जाएगा, बंदा हिलेगा भी नहीं। क्योंकि ये मेरे साथ चाइनीज़ वर्जन में हुआ था, चाइनीज़ में मैंने एक बंदे को किल किया था, तो उसने क्या किया, मेरे को वहाँ पे फ्रीज़ कर दिया। तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा स्क्रीन के बटन्स काम नहीं करेंगे और तुम उधर ही खड़े हो जाओगे और जोन आके तुमको मार देगा। तो ये है फ्रेंडली फायर किल रेस्ट्रिक्शन। कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बोलेगा, आपके भाई ने बोला है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी अपने टीममेट को या किसी को मार देते हो, तो आपको वहाँ पे फ्रीज कर देगा, आप हिल भी नहीं पाओगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे। उसके बाद स्लाइडिंग फीचर सबको पता है, थीम गैलरी, मतलब वो नीचे एक नया था थीम ऑप्शन आता है, उसमें आके आप पिछले दो सीज़न के बारे में देख सकते हो। प्लेयर अगेन आफ्टर मैच इज डन, प्लेइंग अगेन आफ्टर मैच इज डन, ये सब फालतू अपडेट्स है। तो ऑटो बफरिंग फीचर, ये सब फालतू है गाइस, ये सब चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सब अपडेट चाहिए तो मैं आपको लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख लो ना, ठीक है, कि लिंक में डिस्क्रिप्शन जाके देख लेना, क्योंकि इसमें थोड़े अपडेट्स और है। लेकिन जो मेन जो मैं, और इसका अपडेट का साइज है 0.67 GB, मतलब चार, अभी तो 4.5 GB का है, मतलब 5 GB का टोटल गेम हो जाएगा पबजी, ठीक है।
बट इसमें सबसे बुरा जो था गाइस ये वाला है स्पेक्टेटर टीयर रिस्ट्रिक्शन, मुझे बहुत ही दिल दुखा यार। और मेरे को फोर्सफुली तुम लोग के लिए स्पेसिफिकली वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मैंने चाहता कि मेरे भाई लोग ये चीज़ उनको जानना पड़े, ठीक है। और दिसंबर 11 को अपडेट रिलीज़ होने वाला है, तो आज का क्वेश्चन का आंसर तो दे दो भाई प्लीज़, अपने भाई का दिल दुखाओ मत। और प्लीज़ यार चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमको सिर्फ 4-5 सब्सक्राइबर चाहिए, 3,500 करो, और आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए यार, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कल की वीडियो पे, अपना हेल्थ का ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट।